जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार डीसी क्लासेस चैनल में स्वागत है। और क्लास टेंथ ज्योग्राफी पीपीआई ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए जो सीरीज चल रहा है क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए, उसका ये पार्ट टू है। यानी ज्योग्राफी पीपीआई ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए जो सीरीज चलाया जा रहा है आप सभी के लिए, वो सीरीज का ये पार्ट टू है। तो जो बच्चे पार्ट वन का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो डीसी क्लासेस चैनल पे जाएंगे और ज्योग्राफी पीपीआई ऑब्जेक्टिव 2024 का सीरीज जो है उसका पार्ट वन आपको अपलोड किया गया है, मिल जाएगा। तो आइए हम लोग ये सीरीज के पार्ट टू देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन क है बलुई मृदा, ख है रेगुर मृदा, ग में लाल मृदा और घ में पर्वतीय मृदा। तो जो बच्चे जो विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन क्लास किए होंगे उनको मैं ये किस चैप्टर में बताया होगा काली मृदा के बारे में, तो एक चैप्टर बताया होगा आपको मृदा, है ना, भूमि एवं मृदा संसाधन आपको पढ़ना है, उसी में ये क्वेश्चन बताया होगा। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है बाबू वो है रेगुर मृदा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी क्या है पीपीआई क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि काली मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो इसके आंसर भी आप याद रखिएगा। काली मृदा का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। तीसरा, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसका आंसर आपको रखना है कपास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क में है राजगीर, ख में बोधगया, ग में पटना और घ में है बिहार शरीफ। तो आप सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अभी तक मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अभी तक ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे, है ना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, किस नगर में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पटना। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। क में है पंडित नेहरू, ख में महात्मा गांधी, ग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घ में है स्वामी विवेकानंद। तो आप इसके आंसर बखूबी जानते होंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो वो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन क में पंडित नेहरू सही जवाब हो जाए, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कावर झील किस जिला में स्थित है? कावर झील किस जिला में स्थित है? आप ऑप्शन को देख लो। ऑप्शन क में है दरभंगा, ख में है बेगूसराय, ख में भागलपुर और ख में है नालंदा। बताइए कावर झील जो है वो किस जिला में स्थित है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कावर झील जो है वो आपका बेगूसराय जिला में स्थित है और कुशेश्वर स्थान जो है वो आपका दरभंगा जिला में स्थित है। इसमें ये दो क्वेश्चन में बच्चे बहुत क्या होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं कि सर अगर झील पूछेगा तो किस में लगाएंगे, कुशेश्वर स्थान पूछेगा तो हम ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया होगा, जो ऑफलाइन क्लास बच्चे करते हैं हमसे उनको मैंने बताया होगा कि जहाँ पे झील की बात आएगा तो झील में आपको बेगूसराय याद रखना है और स्थान की बात आए तो आपको दरभंगा याद रखना है। यानी कि कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है या किस जिला में, तो दरभंगा में, और फिर आपका कावर झील कहाँ है, तो फिर बेगूसराय में। यानी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? खास सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन या संसाधन है? ऑप्शन क में है मानवकृत, ख में पुनःपूर्ति योग्य, ग में अजैव और घ में क्या जैव संसाधन। तो आप सारे बच्चे पहले लेसन में ही मैंने आपको बताया होगा, ऑफलाइन बच्चे को, ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे को,
संसाधन एवं उपयोग एक चैप्टर है आपका, भूगोल का पहला चैप्टर। उसी चैप्टर में मैंने आपको बताया होगा कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन तो है, लेकिन नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी इसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आपको आंसर हो जाएगा क्या, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। ऑप्शन क में है उजला ग्रह, ख में नीला ग्रह, ग में लाल ग्रह और ख में है आपका हरा ग्रह। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सारे विद्यार्थी बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, नीला ग्रह, है ना। तो हर वीडियो क्लास की तरह इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छाप देना है, जरूर से जरूर छापना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रहा है, किस हद तक चल रहा है। तो आपके लिए है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, इसके आंसर आप सबको बताना है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है आप सबके लिए, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, या निम्न में कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और अगला प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं। और फिर ये सीरीज का पार्ट 2 है और थर्ड पार्ट के साथ हम आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए यहीं तक।